It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other, where you put your knowledge to test and battle it out with the best to bring out the best in you. Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for GATE till date with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream. Deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy combat. Register now. करते जा क्रैक करते जा जोर लगा तो जोर लगा लड़ जरा कुछ कर देगा सबको करके दिखा दिखा, दिखा। तेरा तेरा भाई, तेरा दोस्त it, so बोल रहा। कर so so so, हमारा एक बहुत जबरदस्त सेशन चल रहा था जिसके अंदर हम लोग रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस देख रहे थे जिसके अंदर हम लोग के कर रहे हैं, सिविल से रिलेटेड जो भी जो रहेंगे तुम्हारे लिए ई सी प्री के लिए और स्टेट एग्जाम्स जितने भी होते हैं उनके लिए और एजीआई के जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए ठीक है तो ये मतलब सिविल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि हम लोग को काफी उन क्वेश्चन के अंदर इनसाइट मिले और काफी कुछ सीखने को मिले ठीक है तो सभी से यहाँ पे रिक्वेस्ट है जितने बच्चे सेशन अटेंड कर रहे हैं सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठें और प्रैक्टिस करें साथ में और जो भी आंसर हम क्वेश्चन पर पूछेंगे उनका आंसर्स कमेंट बॉक्स में देने की सब लोग बढ़िया से भरपूर कोशिश करेंगे ठीक है चलो शुरू करते हैं तो अभी ये सेशन काफ़ी दिनों से चल रहा है और इसकी जो प्ले है वो भी बड़े से बन गई है तुम लोग चाहो तो प्रीवियस वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके और तुमको बढ़िया सोलूशंस मिल सके ठीक है, है तो सभी लोग जानते हैं सर एक्सपर्ट हैं गेट एस के अंदर एमटेक सर ने आइडीसी का रखा है और बेस्ट गेट रैंक 55 है और भी सारे एग्जाम्स सन निकाल रखे हैं यहाँ पे बाकी तुमको ये तो पता ही है कि अन अकेडमी ऑफर करता है यहाँ पे प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जिसके साथ जुड़ के तुम लोग अपनी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो गेट 2023 और गेट 2024 के गे लिए ठीक है और प्लस के अंदर तुमको पता ही लाइव क्लासेस वीकली टेस्ट स्ट्रक्चर कोर्सेस और तुमको आर क्रैश कोर्सेस सारी चीज़ें मिल रही हैं है को और आइकॉनिक है तुमको पर्सनल कोच और डेडिकेटेड डाउट लें एजुकेटर और स्टडी मेटीरियल भी मिलता है बाकी अन अकेडमी की ऐप पर जाकर तुम लोग सी कोड यूज करोगे अगर तो तुम लोग को फीस में अच्छा खासा ऑफ मिल जाएगा तो फीस अकेडमी के ऐप पर चेक करना मंथली ई ऑप्शंस और लोन के ऑप्शंस सभी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है और तो अभी नाइन मंथ का भी सिक्स मंथ और ट्वेल्थ मंथ पहले था अब नाइन मंथ का भी यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अन अकेडमी ने ऐड कर दिया है ठीक है तुम चाहो तो नाइन मंथ का भी ले सकते हो बाकी स्पेशल क्लासेस के जो फीचर्स हैं वो तुमको पता ही है तो इंटरेक्टिव रहती हैं काफी ज्यादा उसके अंदर पोल्स वगैरह रहते हैं रेज एंड फीचर जिसमें तुम एजुकेटर से डायरेक्टली बात कर सकते हो क्लास के अंदर कोई क्लास तुम्हारी मिस नहीं होगी नोटिफिकेशन हो तुमको टाइम से मिल जाएगा लेक्चर नोट्स तुम क्लास के और डाउनलोड कर सकते हो और कभी भी कहीं से भी तुम लेक्चर्स को देख सकते हो बाकी दो बैचेस अभी चल रहे हैं लक्ष्य और प्रगति जिसके अंदर स्टील चल रहा है और हाईवे चल रहा है क्षेत्र सरोव विवेक सर के थ्रू मतलब ये लोग अभी शाम को सात बजे सवा नौ बजे हाईवेयर सील पढ़ा रहे हैं तो लोग चाहो तो ये बैचेस ज्वाइन कर सकते हो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ट्वेंटी ट्वेंटी और ट्वेंटी ट्वेंटी फोर उनके लिए सी एस टेन कोड यूज कर सकते हो ठीक है तुम इन लाइन नंबर पर कॉल करके ठीक है उनसे बात करके तुम तो अपना आराम से सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और कोड उनको बता देना ठीक है बाकी सारे टॉप एजुकेटर्स हैं जो तुमको बढ़िया से पढ़ा रहे होंगे ठीक है चलिए ओके okay, सर बाकी हम और बात करते हैं यहाँ हम अगर देखें प्लस और आइकॉनिक की बात करें तो आप देखिए आइकॉनिक में फिजिकल नोट्स वन ऑन वन लाइव इंटर्नशिप स्टडी प्रोग्राम पर्सनलाइज डाउट क्लियरिंग और लाइव ऑडियो इंट्रैक्शन ये सब आइकॉनिक तुमको ज़्यादा मिल रहे हैं बाकी प्लस में और आइकॉनिक में बेसिक फीचर्स तो कॉमन है ठीक है बाकी तुमको पता ही है वन ऑन वन लाइव एंटरशिप में तुम्हारे डाउट्स सिली नहीं है तो अपने डाउट्स पूछ सकते हो एजुकेटर के साथ स्लॉट बुक करके और बाकी नोट्स भी यहाँ पे एन अकेडमी ने लॉन्च कर दिए हैं ऐप में सेल्फ स्टडी सेक्शन में जाके जो सेल्फ स्टडी का सेक्शन है वहाँ पर जाके तुम तो अपने नोट्स क्लिक करके तुम सारे नोट्स एक्सेस कर सकते हो ठीक है प्लस और आइकॉनिक लर्नर्स ले आइए सी एस एम कोड यहाँ पर यूज़ करके तुम जोड़ सकते हो ठीक चलो बाकी ये टॉप रैंकर्स हैं ये सी के तुम देख सकते हो आई होप कि तुम लोग भी यहाँ पे आप और खूब मेहनत से बढ़िया से अप्लाई करते रहो बाकी ये तुम्हारे गेट के टॉप रैंकर्स हैं ठीक है थीक? और अन को तुमने डाउट्स अगर आप पूछ सकते हो डाउट्स की जो इमेजेस हैं उसको क्लिक करके क्रॉप करके सबमिट करो और बढ़िया से तुम अपने डाउट्स को पूछ सकते हो ठीक है चलिए सर तो हम हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे यार ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं अब हम लोग लास्ट हमको याद आ रहा है हम लोग ने हम्म लास्ट हमको याद है यहाँ पे हम लोग पहुंचे थे ना इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे तो आई होप तुम हो हमने तुमको बताया था कि इसका सोल्यूशन ढूंढ के रखना घर से अपना है ना इसको सॉल्व करना घर से तो क्या आंसर आया भाई कोई बता सकता है यहाँ पे तो यार तुमको हमने बताया था तो एक सिंपल बीम हमारी ए बी सी ये क्वेश्चन आपने हमको बताया था लास्ट जाते थे ए बी और सी ठीक है और फिर आपने इसे बताया था कि पॉइंट लग रहा है एक पॉइंट लोड पी लग रहा है बी पॉइंट पे बीच में कहीं ठीक है कहीं बीच में तो ऐसा लग रहा है जैसे आपकी आप हो तो स्लोप जो यहाँ बन रही है ए पे ए पे जो स्लोप बन रही है और जो सी पे स्लोप बन रही है उसमें का है। मतलब देखो, लिखा होगा स्लोप एट ए तुमको बताना है कि जो पी लोड लग रहा है वो ए से कितना दूर है मतलब टोटल ये डिस्टेंस पूछा गया है ना तो कैसे निकलेगा ये क्वेश्चन हमको ए बी की लेंथ बना है इन टर्म्स ऑफ एल ऑब्वियसली सर आप ये समझिए कि सेंटर से तो आगे ही होगा एल बाई टू से तो ज़्यादा ही होगा यहाँ पे एल बाई टू से ज़्यादा सारी ही लेंथ है देखो इसको छोड़ के ये भी एल बाई टू से ज्यादा ये भी एल बाई टू से ज्यादा ये भी एल बाई टू से ज्यादा है तो हमारा ए बी सी में से कोई भी आंसर यहाँ पे हो सकता है डी तो नहीं होगा देखो बिल्कुल क्योंकि लोड जब सेंटर से आगे बढ़ेगा तभी इधर की स्लोप कम होगी इधर की ज़्यादा होगी एकदम लोड बीच में होता तो स्लोप दोनों तरफ बराबर होती ठीक है तो किसी को समझ में आता है ये अच्छा तुमको मैं तरीका बता देते हैं कि स्लोप कैसे निकलती है शायद तुमने फॉर्मूला ना पढ़ रखा हो हम इसको जनरल फॉर्मूले से कर देना वरना कर तो इसको हम लोग कई तरीके से कर सकते हैं चाहे तो मोमेंट एरिया लगा दें बहुत सारी चीजें यहाँ पे पॉसिबल हैं चलो तुम थोड़ा ध्यान तो से देना लेटेस्ट से हमारा यहाँ पे लोड लग रहा है पी इधर की डिस्टेंस मान लो बेटा ए है ठीक है इधर के डिस्टेंस मान लो ए है और मान लेते हैं इधर की डिस्टेंस हमारी बी है ठीक है चलिए सर तो अगर ऐसा है तो हमको सर ये बताइए क्या कुछ जनरल फॉर्मूला है जनरल हाँ, फॉर्मला है देखो बेटा थीटा ए का यहाँ फॉर्मिला है अगर तुमको स्लोप ए साइड निकालनी है तो थीटा A का फॉर्मला है पी ए बी पी ए बी अब देखो क्योंकि इस साइड की स्लोप निकालना है तो एल प्लस बी उस साइड का एल प्लस बी लगाएंगे है ना एल प्लस बी अपॉन सिक्स मतलब ए प्लस बी एल मतलब पूरा एल मतलब अपना ए प्लस बी हो जाएगा ठीक है ये बात समझो तो हमारा फॉर्मुला क्या होगा सर पी ए बी एल प्लस बी

इस साइड लिखा तो एल प्लस ए दूसरी साइड का ए ले, ले लेंगे थीटा और थीटा भी मिल गया समझ गए ये जनरल चीजें तुमको पता रहनी चाहिए अब इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, करेंगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो सर ठीक है थीटा ए का फॉर्मला अगर हम रखें हमको ए निकालना है मेनली तो थीटा की जगह रखेंगे तो हम लिखेंगे पी ए बी एल प्लस बी अपॉन सिक्स ई आई एल इज इक्वल टू ये देखो पॉइंट सेवन फाइव और दूसरे साइड की जो स्लोप हो जाएगी सर वो क्या हो जाएगी पी ए बी एल प्लस ए अपन सिक्स ई आई इंटू एल ठीक है सॉल्व करना शुरू करेंगे सर सॉल्व करना शुरू करेंगे बढ़िया से तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा पी ए बी पी ए बी पूरा कैंसिल हो जाएगा सिंपल है क्या बचा है एल प्लस बी इजल इसको तुम थ्री बाय फोर लिख लो थ्री बाय फोर लिख लो इसको एल प्लस ए और सॉल्व करेंगे तो फोर एल प्लस फोर बी इज इक्वल टू थ्री एल प्लस थ्री ए यहाँ से और सॉल्व करेंगे तो हम लोग अगर क्या करें अब एक चीज हम लोग कर सकते हैं हम लोग को आंसर यार हमको निकालना ए को एक काम ये भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे बी को सब्सक्रिप कर देंगे बी की जगह हम लोग एल माइनस ए लिख देंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमको आंसर ए का चाहिए वो भी एल केटन को चाहिए हमको सर आपने बोला ए निकालो ये ए है ये बी है ठीक है आपने बोला सर ए निकालो एल केट तो हमको बी नहीं चाहिए बी हटाने की कोशिश करेंगे ठीक है चलो बी हटाने की कोशिश करते हैं फिलहाल इसको तुम पहले इधर ले आओ चलो बी को लिखते हैं यहाँ पे हम यहाँ पे बी की जगह बी की जगह लिखना है एल माइनस ए क्योंकि जो बी हमारा ये, ये टोटल लेंथ में से करेंगे तो आ जाएगा सिंपल बात है सिंपल बात है एकदम ठीक है तो हमको तो क्या मिलेगा इधर हम लिखे तो देखो फोर प्लस फोर एट और माइनस थ्री आ जाएगा तो सेवन एल हो जाएगा और ये माइनस फोर ए है माइनस फोर ए है और इधर हमारा थ्री ए है उधर जाएगा हमारा प्लस सेवन ए हो जाएगा तो यार एट माइनस थ्री क्या लिख दिए एट माइनस थ्री तो फाइव हो जाएगा ना फाइव वही तो ज्यादा डायरेक्ट करने से यही होता है कोई नहीं सही चल रहा है सब सब सही चल रहा है यही चलने दो ठीक है सारे एल एक तरफ सारे ए एक तरफ तो सारे एल एक तरफ आएंगे फोर फोर और माइनस सी हमारा हो जाएगा सर फाइव एल और सारे ए एक तरफ जाएंगे तो आपका तो 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 हो जाएगा तो की की जो जो वैल्यू वैल्यू निकल के आ आ जाएगी जाएगी ऑटोमेटिक ठीक है टोटल माइनस कर देंगे तो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा यही पूछा कि डिस्टेंस कितना होगा समझ गए बात अब जरा करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जरा आंसर बताएंगे समझ गए सब लोग और फॉर्मूला जो है वो तुम नोट कर लो बढ़िया से जो फॉर्मूला है वो तुम बढ़िया से यहां पे नोट कर सकते हो ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसको तुम लोग चाहो नोट कर लो फटाफट अगला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे और उसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे तो अगला क्वेश्चन हमारे बोला है डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड ऑफ यूनिफॉर्मली लोडेड कैंडलीवर बीम ऑफ लेंथ वन मीटर इज इक्वल टू सेव मीटर देन द स्लोप एट फ्री एंड क्या होगी अच्छा तुमको डिफ्लेक्शन दिया है स्लोप पूछी गई है डिफ्लेक्शन दिया है स्लोप पूछी गई है इस क्वेश्चन के अंदर ठीक है तो आसान क्वेश्चन लग रहा है तो ज़्यादा टफ नहीं है सर हमारा कैंडलीवर बीम जो है एक मीटर की दी गई है उन्होंने बोला है वन मीटर की उन्होंने दी रखी है ठीक है इसमें हमारा जो आ, अच्छा यूनिफॉर्मली लोडेड है ठीक है यूनिफॉर्मली लोडेड भी है भाई तो हमारी इस तरीके से कुछ डिफ्लेक्ट होगी ठीक है तो ये डिफ्लेक्शन हमको आ, दे रखा है सेवन पॉइंट फाइव ये जो डिफ्लेक्शन दिया बेटा ये सेवन पॉइंट फाइव दिया हुआ है इन्होंने सेवन पॉइंट फाइव एम एम हमको डिफ्लेक्शन दिया गया है और जो तुम ये स्लोप देख रहे हो यहाँ पे हॉरिजोनटल्स जो एंगल बन रहा है वो हमको निकालना है अच्छा तुमको फॉमूला तो पता ही होगा डिफ्लेक्शन का अगर कैंडलीवर में यूडीएल लगता है तो उसका फॉर्मूला होता है सर डब्ल्यू एल क्यू आर फोर अपॉन एट ई आई और जो स्लोप होती है उसका फार्मूला हमारा होता है डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन सिक्स ई आई काफ़ी बच्चों को फॉर्मूला पता होगा आराम से कोई बड़ी चीज़ नहीं है अब तुम यार तुमको स्लोप निकालनी है डिफ्लेक्शन तुमको दिया तुम क्या करना है थीटा निकालना है डिवाइड करो बस इसको इसको डिवाइड करो और डेल्टा गिल उठा के रखो थी टाइन निकल के आ जाएगा सर डेल्टा गेल में रखी तो सेवन पॉइंट फाइव हो गई अपनी एम एम को एक काम करेंगे हम लोग चलो देखते हैं अभी हम लोग सेवन पॉइंट फाइव एम एम रहने देंगे यहाँ पे सेवन पॉइंट फाइव एम एम यहाँ पे रहने देंगे इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे देखिए सर यहाँ पे आप देखेंगे ई आई आई कैंसिल हो गया डब्ल्यू एल क्यू और डब्ल्यू एल क्यू कैंसिल हो गया एक एल बच गया एक एल बच गया सर और नीचे आपका ये एट बचा ऊपर चला गया सिक्स नीचे आपका एट बचा ऊपर चला तो गया सिक्स ये हमारा फाइनल सिक्स एल बाई एट आ गया तो थीटा की वैल्यू अगर हम देखें यहाँ से तो थीटा की जो वैल्यू निकल रही है वो आ रही है एट बाई सिक्स एल एट इधर जाएगा सिक्स एल नीचे आएगा इंटू सेवन पॉइंट फाइव एम एम इंटू सेवन पॉइंट फाइव एम एम अभी जो एल है ये भी तो एम एम आई कन्वर्ट कर दो या तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो लेंथ कितनी दी गई वन मीटर भाई अगर हम यहाँ लेंथ की वैल्यू रख दें हटा के अगर हम यहाँ लेंथ की वैल्यू रख देते हैं हटा के सर वन थाउजेंड एम तो सही है सर तो फिर क्या होगा एम mm एम से एम mm सर आपका कैंसिल हो जाएगा कोई दिक्कत बात नहीं है एम एम अपना कैंसिल हो जाएगा अब आंसर निकाल लो अब तुम यहाँ पे एट इंटू ए करके अपना कैलकुलेशन करके ये तुम्हारा फाइव बाई फोर हो जाएगा फोर टूज़ एट हो जाएगा और टू थाउजेंड टेन फिर टेन से तुम्हारा ये थाउजेंड वन बाई हंड्रेड हो जाएगा वन वन हंड्रेड पॉइंट जीरो वन रहा है मेरे से तो पॉइंट ज़ीरो वन रेडियन बाकी तुम लोग चेक करो एक बार बताओ एक बार हम आंसर्स का देख लेते हैं पॉइंट जीरो वन यहां पे आंसर आना चाहिए पॉइंट जीरो वन दें द स्लो पेट फ्री एंड पूछा है तो यही है उसको थोड़ा सॉल्व कर लो एट इंटू सेवन पॉइंट फाइव हम्म सही है पॉइंट जीरो वन ठीक है हमने तो देख लेना अपना बात खत्म हो जाएगी तुम्हारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्लोप निकल के आ गई अपनी सिंपल एकदम तरीके से चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अगला क्वेश्चन लेंगे यहाँ बढ़िया तरीके से एकदम बताओ दो क्वेश्चन अपने निपट गए बढ़िया से अब अगला तीसरा क्वेश्चन पढ़ो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी इसको पढ़ेंगे ध्यान से चलिए सर तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कैंडीवर बीम है यूडीएल को कैरी कर रही है फ्रॉम एंड टू सेंटर ऑफ बीम इन द फर्स्ट केस अच्छा सर एक आपकी कैंडीवर बीम यहाँ पे गई है उसमें यूडीएल लग रहा है फ्रॉम एंड टू सेंटर ऑफ बीम मतलब आपका सर यहाँ पे आधी बीम में यूडीएल लग रहा है ये आपका फर्स्ट केस है ऐसा बोल रहा है ये आपका फर्स्ट केस है एंड अ यूनिफॉर्मली ऑफ सेम इंटेंसिटी अगर यहाँ पे डब्लू का है तो एक सेकेंड केस है सर

है ना चलो बताने की कोशिश करो भाई ये केस और ये केस दोनों लेंगे हम लोग फर्स्ट केस और सेकंड केस में डिफ्लेक्शन के रेशियोज हम लोग को निकाल ले हैं आसान है बहुत टफ नहीं है कुछ तुम लोग बताओ इसमें क्या किया जाए इसमें बताओ क्या किया जाए फर्स्ट और सेकंड के इसमें किस तरीके से रिफ्लेक्शन लोग यहाँ पे निकाले हैं हुआ किसी का इसको बीएमडी एम से भी किया जा सकता है वैसे तरीके तो कहीं हैं ऐसे मोमेंट एरिया वगैरह काफ़ी चीज़ें लगा सकते हैं हम लोग हम सोच रहे हैं इसको सुपर क्वेश्चन से करना ज्यादा बढ़िया है एक चीज तो हो सकती है देखो यार सेकंड केस में तुम लोग को अगर पता हो सेकेंड केस की अगर हम बात करें तो सेकेंड केस का तो आराम से आंसर निकल के आ जाएगा फिर उसी का हम फर्स्ट केस में यूटिलाइजेशन कर लेंगे चलो देखो थोड़ा सा दिमाग में वाला है इसमें सेकेंड केस को अगर हम देखें थोड़ा सा तो इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि मान लो पूरे में यूरियर लगा देते हैं और इधर से इसे माइनस कर देते हैं नीचे से ठीक है या तो इसको हम अलग अलग, अलग बनाए तो ज़्यादा बढ़िया है अलग, अलग अलग बनाते हैं सेकंड केस को समझेंगे सेकंड केस इज सम ऑफ व्हाट एक तो सर पूरे में यूडी लगाइए और शुरू में नीचे से माइनस कर दीजिए ये केस है ना ये केस हमारा हो जाएगा तुम देखो ना इसको और इसको ऐड करो तो देखो यहाँ पे जो आधा वाला है और ये आधा नीचे से ये दोनों कैंसिल करेंगे तो, तो यही बन जाएगा है ना और फर्स्ट केस है तो सर ठीक है काम इसमें चल जाएगा देखो फर्स्ट केस है तो हमको क्या करना है कि ये सेंटर तक है तो तुम अगर इसको डिफ्लेक्ट कराओ यार देखो तुमको तो पता है यहां तक ये डिफ्लेक्ट करेगी और इसके बाद से ये एकदम स्ट्रेट जाएगी अगर हमको टोटल डिफ्लेक्शन निकालना है तो हमारा ये हो जाएगा डिफ्लेक्शन वन प्लस डिफ्लेक्शन टू ये हमारा हो जाएगा सर देखिए डिफ्लेक्शन वन कितना हो जाएगा डिफ्लेक्शन वन जो कि सेंटर पे जो डिफ्लेक्शन है उसके बराबर होगा Osionfish. और ये आपका हो जाएगा डिफ्लेक्शन टू तो सर हमारा जो टोटल डिफ्लेक्शन है यहाँ पे वो डिफ्लेक्शन वन प्लस डिफ्लेक्शन टू हो जाएगा डिफ्लेक्शन वन वही होगा जो यहाँ सेंटर पे होगा जो सेंटर डिफ्लेक्शन होगा प्लस डिफ्लेक्शन टू क्या होगा सेंटर पे जो स्लोप आई होगी सर सेंटर पे जो स्लोप आई होगी स्लोप को ये स्लोप तुम देख रहे हो यहाँ जो स्लोप आई होगी ये स्लोप और ये स्लोप सेम ही होगी थीटा एट सेंटर उस स्लोप को हम इस डिस्टेंस से इन टू कर देंगे जो डिस्टेंस हमारी एल वाई टू है ये तुमने अगर थोड़ा पढ़ रखा होगा तो तुमको आइडिया होगा ठीक है तो डिफ्लेक्शन एट सेंटर प्लस थीटा टू, टू, तो टू तो कैंटलीवर होती है और अगर उसकी कैंटलीवर उसकी यूडीएल उस लग रहा है और उस पर डिफ्लेक्शन को निकालना है तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा सर डब्बल हमने डब्ल्यू एलक्यू आर फोर अपॉन एटीआई लेकिन इस बीम की एल की पावर फोर अपॉन एट ई आई हो जाएगा ये सेंटर डिफ्लेक्शन इतना आ गया प्लस अब हमको डिफ्लेक्शन निकालना है तो ये स्ट्रेट लाइन है सिंपल अपना यहाँ पे छोटा सा एंगल होगा थीटा इंटू ठीक है एंगल इंटू लेंथ कर देंगे तो हमको आर्क लेंथ एक तरह से मिल जाएगी वही चीज लगाएंगे तो थीटा सी पे कैसे अब सेंटर यहाँ से, आपको सर कैंटलीवर में अगर स्लोप चाहिए फ्री एंड में तो वो क्या होती है सर वो होती है डब्ल्यू आर फो क्यूब डब्ल्यू एल आर थ्री अप सिक्स आई तो यहाँ थीटा के लिए लिखेंगे डब्ल्यू एल के क्यूब अपॉन सिक्स आई और एक एल वाई टू आपका ये इंट्रो में हो जाएगा है ना ये एल वाई टू आपका एंट्रू में हो जाएगा इसको कर देंगे सर सॉल्व तो आपको टोटल डिफ्लेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा फ्री एंड में तो हमारा ये आ जाएगा सर देखिए इसमें l एलवाई टू के बार फोर अपॉन ई आई अगर हम कॉर्मन ले लें अंदर यहाँ बचेगा सर वन बाई एट प्लस वन बाई सिक्स ठीक तो फाइनली आ गया हमारा कितना डब्लू एल की पावर फोर अपॉन टू की पावर फोर सिक्सटीन हो जाएगा हमारा इसमें अगर हम एल सी एम ले लें इसका एल सी एम हमारा ट्वेंटी फोर हो जाएगा है ना और तो कुछ नज़र आ नहीं रहा है तो ये तुम्हारा थ्री और ये तुम्हारा फोर तो फाइनली तुम्हारा ये जो तो हो जाएगा सेवन हो जाएगा न वन बाईट प्लस वन बाय सिक्स तुम्हारा छः आठ हाँ सही है सेवन बाईट ट्वेंटी फोर आ जाएगा ये तो सेवन डब्ल्यू एल आर फोर अपॉन सोलह इंटू चौबीस तुम्हारा हो जाएगा तीन सौ चौरासी क्योंकि बीस प्लस फोर बीस माइनस फोर तो चार सौ माइनस सोलह करेंगे तो तीन सौ चौरासी चाहिए यार ये हमारा डिफ्लेक्शन आ रहा है यहाँ पे ठीक है सिंपल हमने सुपर प्जिशन निकाया कि भाई सेंटर डिफ्लेक्शन प्लस स्लोप केस है जो सेंट्रल स्लोप केस है जो डिफ्लेक्शन कोने में आएगा वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया है अब आ जाओ सेकंड केस में सर ये आपका हो गया फर्स्ट केस वन का डिफ्लेक्शन आपने निकाल लिया अब बारी है सर हमारी सेकंड केस की तो सेकंड केस में सर क्या करना पड़ेगा देखिए सेकंड केस में आपने बोला कि अगर यहाँ डिफ्लेक्शन चाहिए तो पहले इस वाले केस को दो केस में नोट किया दिस प्लस दिस ठीक है अब तुम बताओ ये वाले जो बीम है इसमें अगर हम यहाँ डिफ्लेक्शन निकालें डेल्टा वन और इस वाली बीम के अब यहाँ डिफ्लेक्शन सर कैसा होगा यहाँ वही सेम चीज़ सर तो यहाँ तक तो आपका ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा कर्वेचर में फिर स्ट्रेट जाएगा और ये डिफ्लेक्शन आपका देखिए वही सेम चीज ये दो डिफ्लेक्शन से जुड़ के बना होगा टोटल मान लीजिए डेल्टा टू है ये लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है तो अगर आपको यहाँ पे टोटल डिफ्लेक्शन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा डेल्टा वन प्लस लेना पड़ेगा लेकिन इसके से डेल्टा टू माइनस लेना पड़ेगा और वो डेल्टा टू भी दो टर्म से मिलकर बना हुआ है देखो जो काम तुमने यहाँ पे नीचे निकाला था देखना ये काम जो तुमने नीचे करा था अब वही काम तुमको यहाँ ऊपर करना है तो भाई देखो ये आंसर और ये आंसर सेम होगा ये जो यहाँ पे है आंसर सेम होगा तो ये आंसर हमको मिल चुका है ठीक है तो अगर यहाँ पुट करते हैं डल्टन की क्या करते हैं अगर पूरी बीम लेंथ लेल है और उसमें अगर हम लोग यूडीएल लगा रहे हैं तो हमारा जो कोने में अपना फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन होगा वो डिफ्लेक्शन सर हमारा क्या होने वाला है वो डिफ्लेक्शन हमारा होने वाला है डब्ल्यू एल पावर एट है, फोर अपॉन एट ई आई होने वाला है और सर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डिफ्लेक्शन टू की तो हमको दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ये हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है ये कितना हमारा है सेवन डब्ल्यू एल कार फोर अपऑन थ्री एट्टी फोर ई आई ठीक है ये हमारा सिस्टम यहाँ पे हो गया हम यहाँ पे काम करेंगे थ्री एट्टी फोर को अगर हम एट से डिवाइड कर दें एक बार तो ये हमारा फोर और एट फोर्टी एट हो रहा है तो एक काम करो एक काम करेंगे हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे बढ़िया से हम एलसीएम ले लेंगे थ्री एट्टी फोर ई आई हमारा एलसीएम हो गया फोर तो अपना कॉमन चल ही रहा है अब एट में जब तुम तो इस प्रोवाइड करो तो फोर्टी एट इसमें वन हो गया वन इन टू सेवन सेवन ये हो गया तो हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है 48, 7, 41, 3, 8, 4, e, ये ये आई हमारा फाइनल आंसर बना ठीक है तो फर्स्ट केस का आंसर ये है सेकंड केस का आंसर ये है तुमको रेशियो निकालना है तुमको बोला गया है कि निकालो रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन इन टू केसेस एट फ्री एंड हमने फ्री एंड जो किया तो, तो उसको डिवाइड कर देंगे तो जब तुम तो इसको डिवाइड करोगे देखो पूरा तो कैंसिल हो गया सेवन अपॉन फोर्टीन बचेगा ये पूरा कैंसिल हो जाएगा तो हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन आ जाएगा ठीक है तो हमारा डेल्टा ए और डेल्टा बी का जो रेशियो है सर ये डेल्टा ए और डेल्टा बी है तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा बी का जो रेशियो आ रहा है सर वेरी सिंपल सेवन अपॉन फोर्टी वन आ रहा है इससे इसको डिवाइड करने पर ठीक है डी ऑप्शन हो गया थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, था, था ये चलिए आगे बात करेंगे अब इफ द लेंथ ऑफ करो ट्राई करो तुम करो फिर हम बताते हैं सिंपली सपोर्ट बीम में आपका कंसेंट्रेटेड लोड लग रहा है सेंटर पे उसको डबल कर दिया गया तो डिफ्लेक्शन क्या होगा सपोर्ट बीम में आपका लोड लग रहा है सर सेंटर पे, जो भी डिफ्लेक्शन आप हमको बताओ डिफ्लेक्शन क्या होता है सिंपली सपोर्ट का सर सिंपली सपोर्ट में अगर आपका कंसेंट्रेटेड लोड लग रहा है बीच में तो उसका जो डिफ्लेक्शन होता है उसका जो डिफ्लेक्शन होता है सर वो होता है पी एल क्यूब पी एल क्यूब अपॉन फोर्टी एट यही होता है हमारा डिफ्लेक्शन ठीक है यही हमारा डिफ्लैक्शन होता है अब हम बात करेंगे अगर तो ठीक है सर इन्होंने बोला लेंथ को डबल कर रहे हैं लेंथ को अगर डबल कर देंगे तो देखो यहाँ क्यूब है ना यार तो डिफ्लेक्शन हमारा कितना हो जाएगा सर हमारी जो लेंथ है अगर हम यहाँ ध्यान दें थोड़ा सा देखिए सर डिफ्लेक्शन आपका लेंथ के क्यूब का प्रोपोर्शनल है डिफ्लेक्शन आपके लेंथ के क्यूब का प्रोपोर्शनल है तो आप खुद सोचिए अगर हम डिफ्लेक्शन वन अपॉन डिफ्लेक्शन टू का रेशियो निकालें लेंथ आपकी जस्ट डबल हो जा रही है तो आपका जो डिफ्लेक्शन है पहले अगर एल क्यूब थी तो अब आपका टू एल का होल क्यूब करोगे तो एयर एल क्यूब हो जाएगा तो आपका डिफ्लेक्शन सीधे सीधे एट टाइम्स हो जाएगा डिफ्लेक्शन टू इज एट टाइम्स ऑफ डिफ्लेक्शन वन तो हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन सही जाएगा सिंपल है क्योंकि एल का क्यूब है बस बाकी कहीं किसी टर्म में ई e में आई में पी में फर्क तो पड़ नहीं रहा है यहाँ पे लोड को चेंज कर सकते थे मटेरियल को चेंज कर सकते थे यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को चेंज कर सकते थे ये सारे चेंजेस हमको देखने को मिल सकते थे ठीक है चलिए ओके okay, सर समझ लियोगे आसान था अपना ये वाला तो आसान था आगे बात करेंगे इसकी तीन क्वेश्चन है आप बड़े से बढ़िया ये हमारा पहला सवाल पहला सवाल का आंसर देंगे बीम है तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा यार ये तो तुम लोग बता सकते हो कोशिश करो भाई कोशिश करो बाकी फिर तो हम बता ही रहे हैं। है ना जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे हमारा सिंपली सपोर्ट बीम है उसमें है ना सेंटर पे कंसेंट्रेट लोड लग रहा है और विथ और डेप्थ जो है डबल कर दी गई है तो विथ और डेप्थ को अगर डबल कर देते हैं हम लोग तो क्या डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा और कम होगा तो कितना कम होगा यही पूछा गया यहाँ पे चलो काफ़ी लोगों का आंसर आ गया होगा अब देखो सर कुछ भी नहीं करना सर हमारी रेक्टेंगल सेक्शन है सेंट्रल कंस ठीक है सिंपली सपोर्ट वीम है सर सेंटर में आपका एक कंसेंट्रेट लोड लगा हुआ है इसको हम पी नाम दे देंगे और डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला सर आपने जस्ट अभी बताया हमको पता है पी एल क्यू कौन फोर्टी एट ई आई है ना ये आपका डिफ्लेक्शन वालों के केस वन अब सर ये सेकंड केस में बोल रहे हैं कि विथ और डेप्थ को डबल कर दिया गया देखिए सर यहाँ पे जो आई आप देख रहे हैं ये आई है ये हमारा बी डी क्यूब बाय ट्वेल्व हो जाएगा क्योंकि सर ये जो आपकी बी में सेक्शन आपका रेक्टेंगुलर है अब नेक्स्ट केस की के अगर हम बात करते हैं तो उस केस में हमारा जो आई है वो आपका क्या हो जाएगा क्योंकि इन्होंने बोला है विथ को डेप्थ को मतलब बी और डी को डबल डबल कर देंगे तो हमारा आई सर क्या हो जाएगा देखिए बी का भी डबल कर देंगे और डी का भी डबल कर देंगे तो यहाँ पे टू और टू का क्यूब एट एट टू का सिक्सटीन हो जाएगा सर तो हमारा जो नया I है सर ये आपका आई वन था और ये आपका आई टू है ये जो नया आई टू है सर आपका ये जो नया आई टू है ये सिक्सटीन टाइम्स ऑफ आई वन है मतलब आपका मोमेंट ऑफ एनर्शिया विथ और डेथ तो को डबल करने से सर सोलह गुना बढ़ गया है सिक्सटीन टाइम्स बढ़ गया है है ना तो हमारा जो डिफ्लेक्शन होगा सर अब डिफ्लेक्शन टू वो ऑब्वियसली सिक्सटीन टाइम्स कम हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ पर फोर्टी एट ई आई टू रखेंगे और सर आई टू की जो वैल्यू होगी आई टू की जो वैल्यू होगी सर वो आपकी सिक्सटीन आई वन होगी तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो डिफ्लेक्शन टू हो जाएगा यहीं से हम बात करेंगे डिफ्लेक्शन टू ये देखो डिफ्लेक्शन वन है पूरा सिर्फ सिक्सटीन हट जाएगा यहाँ से वन बाई सिक्सटीन और बाकी पी एल के ओपन फोर्टी एट ई आई वन ये हमारा डिफ्लेक्शन वन है तो डेल्टा टू जो है वो सिक्सटीन टाइम्स कम हो गया है अब सिक्सटीन टाइम्स कम होने का मतलब कितना परसेंटेज में चेंज आ गया अगर हम यहाँ से परसेंटेज चेंज निकालें तो हम क्या करेंगे डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू अपॉन ओरिजिनल डेल्टा वन इंटू हंड्रेड करेंगे तो डेल्टा वन तो सर आपका डेल्टा वन ही है डेल्टा टू जो आपका है वो डेल्टा वन बाई सिक्सटीन है डेल्टा वन बाई सिक्सटीन है अपॉन डेल्टा वन है इंटू हंड्रेड है तो वन माइनस वन बाई सिक्सटीन अपॉन वन तो आपका फिफ्टीन बाई सिक्सटीन हंड्रेड हो जाएगा तो ठीक है कितना कम नहीं अच्छा कितना कम हुआ ये नहीं पूछा ना पूछा परसेंटेज रिड्यूस टू पूछा है अच्छा रिड्यूस टू पूछा तो हमको माइनस करने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे है ना रेड्यूस टू कितना तो सिंपली हम यहाँ पे डेल्टा टू अपॉन डेल्टा वन कर देंगे बस रेड्यूज टू पूछा है तो हम यहाँ पे सिंपली बोल देंगे डेल्टा टू अपॉन डेल्टा वन डेल्टा टू को लिखेंगे डेल्टा वन बाई सिक्सटीन ये कैंसिल हो जाएगा तो वन बाय सिक्सटीन हंड्रेड करोगे तो ये सिक्स पॉइंट टू फाइव परसेंटेज आ जाएगा वन बाय सिक्सटीन तो मतलब कितना परसेंटेज रिड्यूस तो हमारा डेल्टा टू इज रिड्यूस बाय सिक्सटीन फैक्टर मतलब वन बाय सिक्सटीन टाइम्स ऑफ ओरिजिनल या सिक्स पॉइंट टू फाइव परसेंट तक बचेगा बस बाकी सब खत्म ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आप आपसे बोला है लेमिनेटेड स्प्रिंग इज गिवेन एन इनिशियल कर्वेचर बिकॉज जो लेमिनेटेड तुमने लेमिनेटेड स्प्रिंग देखी है कि ट्रक व्रक में लगी रहती है नीचे लेमिनेटेड स्प्रिंग ट्रक में लगी रहती है कुछ इस प्रकार से होती है थोड़ा देख लो तुमको बताते डायग्राम ऐसी हल्की सी इनिशियल उनको कवेचर दिया जाता है ठीक है ऐसी होती है शायद देखिए तुम लोगों ने यार ट्रक व्रक में बहुत कॉमनली यूज होती हैं इस तरह की स्प्रिंग्स होती हैं ठीक है और काफी लेयर्स में होती हैं ऐसे रहता है ये सिस्टम पूरा ठीक है इसमें बीच में एक सेंट्रल में एक बोल्ट होता है जो बोल्ट से ही इसको मतलब पूरा सपोर्ट मिलता है जुड़ा रहता है और उसके बाद अगर हम बात करेंगे और एंड में इनके सपोर्टेड जो है लोड वाला लगता है चलो वो तब तो देखते हैं तो फिलहाल लेमिनेटेड स्प्रिंग को सर इन्होंने पूछा है कि इनिशियल कर्वेचर क्यों दिया इनको थोड़ा तो मोड़ के क्यों रखा जाता है ये हमारी लेमिनेटेड स्प्रिंग को जिस तरह की रहती है हमने तो ट्रक्स में बहुत कॉमनली देखी है ट्रक्स में तुम देखोगे टायर के बगल तुमको जो आराम से दिख जाएगी ये तो इनको इनिशियल कर्वेचर क्यों दिया जा रहा है इसलिए दिया जा रहा है कि ये इकोनॉमिकल हो जाएंगी अच्छा यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ देंगे अच्छा स्प्रिंग बिकम्स विकम्स फ्लैटेड सब्जेक्टेड डिजाइन लोड ये ऑप्शन बिल्कुल सही है होता क्या है दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं लैमिनेटेड स्प्रिंग के दोनों क्वेश्चन है दोनों पहले आंसर तुम लोग देने की कोशिश करो फिर हम तुम तुमको समझा देते हैं ठीक है लोड जब लगेगा तो ये फ्लैट हो जाएंगी यहाँ पे इसलिए इनका कर्वेचर दिया जा रहा है और अगला जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है इसमें लिखा है कि लैमिनेटेड स्प्रिंग इज सपोर्टेड एट इसको सपोर्ट कहाँ दिया जा रहा है लिखा है सपोर्टेड एट एंड्स इससे हम लोग को यहाँ पेड के बारे में पूरा आइडिया लग जाएगा कहाँ सपोर्ट करते हैं भाई यहाँ जो बीच है तुम्हारा बोल्ड वोल्ड दिया गया है बढ़िया तरीके से तुमको समझाते हैं यहाँ दिया गया सपोर्ट यहाँ इसको सपोर्ट करा गया है यहाँ इसको सपोर्ट किया गया और जो लोड लगता है वो इसमें एंड से लगता है जैसे मतलब टोटल पी लोड आ रहा है ऊपर से तो आधा इधर और आधा इधर चल जाएगा तो अगर हम आप देखो तुम कुछ सोचो एक सिस्टम हमारा ऐसा है और इसमें हम लोग यहाँ से लोड लगा रहे हैं बीच में सपोर्ट दिया है तो जब यहाँ से लोड लगाओगे तो ये सीधे नहीं लगेगी अपने आप खुद सोचो यहाँ पे लोड लगा रहे हैं हम इसको लोड लगा रहे हैं यहाँ सपोर्टेड है तो ये नीचे जाएगी ये नीचे जाएगी इधर है ना भाई इधर से नीचे जाएगा तो हमारी सीधी हो जाएगी तो इन शॉर्ट हमको समझ में आया कि स्प्रिंग को कर्वेचर इसलिए दिया जा रहा है वो अपर डायरेक्शन में ताकि जब एंड्स पे लोड लगे तो वो एकदम फ्लैट हो जाए तो यहाँ पे हमारा स्प्रिंग बिकम्स फ्लैट व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू तो डिजाइन लोड सही बात है सर एकदम इसी वजह से हम लोग इसको कर्वेचर दे रहे हैं इनिशियल और दूसरी बात सपोर्ट इसको सेंटर पर दिया जा रहा है सपोर्टेड एट सेंटर एंड लोडेड एट एंड्स दोनों एंड पे लोड लगता है और सेंटर से इसको चिपका दिया जाता है सपोर्ट कर दिया जाता है जहाँ भी ट्रक का टायर रहता है उस पर या जिस भी बीम पे रखा हो कहीं भी जो रखा होगा जो भी पेब होगा फलक्रम होगा उस जगह इसको सपोर्ट दिया था तो सेंटर से तो हमारा अगले पार्ट का अगर हम आंसर देखेंगे सपोर्टेड एट तो हम बोलेंगे सपोर्टेड सेंटर एंड लोडेड एट एंड ऑप्शन यहाँ सी और यहां पे बी ऑप्शन ठीक है क्लियर है मामला एक सेकंड चलो मामला क्लियर हो गया सर अगला क्वेश्चन देखेंगे हाँ अगला क्वेश्चन देखेंगे सर ये क्लियर हो गया है अगला क्वेश्चन देखेंगे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये सी क्वेश्चन है ये इसलिए हमको ये सी क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से लगा रखे तो हैं तो हमको याद है तुरंत ही याद आ जाते हैं तो कैरेज स्प्रिंग है इस्पैन एल है कंसिस्ट ऑफ एन एन प्लेट्स ईच ऑफ थिकनेस एन अच्छा कैरेज स्प्रिंग है सर उसमें आप ये समझ लीजिए कि एन स्प्रिंग है कोई दिक्कत की बात नहीं है एन प्लेट्स हैं स्प्रिंग के अंदर और थिकनेस सबकी टी है विथ जो है बी है ठीक है सर फिकनेस टी है बेट तो बी है स्प्रिंग कैरीज अच्छा। है लोड डब्लू अच्छा मॉडल सोलासिटी ई है सेंट्रल डिफ्लेक्शन पूछा है यार क्वेश्चन तो देखो बढ़िया है भाई है ना क्वेश्चन तो बढ़िया है सेंट्रल डिफ्लेक्शन में यहाँ पे एक फॉर्मिला चलेगा ठीक है शायद उन्होंने पढ़ रखा हो एल स्क्र बाई एट आर नहीं पता है तो हमको पहले वो समझा देते हैं उसके बाद ही हम इसको डिराइव कर पाएंगे क्योंकि वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे जरूरी है जिनको नहीं पता है तो वो सीख लें और जिनको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है ठीक है यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि एल स्क् बाई एट आर आ, कैसे आता है और क्यों उसकी ज़रूरत यहाँ पड़ेगी तुमको उनको इतना तो पता है मान लो एन प्लेट हो चाहे कुछ भी प्लेट्स हों अक्सर वो डिफ्लेक्शन करेंगे तो हमको पता है वो एक सर्कुलर कर्वेचर में बैंड होंगी ठीक है लेटेस्ट से हम वो एक सर्कुलर कर्वेच में बैंड हो जाएंगे यहाँ प्रोसेस को साफ बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग इधर छोटा सा देखते हैं हम लोग ऐसे मान लो बैंड होंगे और ये मान लो पूरा एक सर्कल तुम्हारा बन रहा है ये मान लो पूरा सर्कल बन रहा है और ये हमारी बीम है जो इस तरह से रिफ्लेक्ट हुई अब तुमको ये तो पता ही है कि सेंटर का जो रिफ्लेक्शन होता है उसको हम लोग यहाँ पे डेल्टा नाम दे देते हैं यहाँ पे डेल्टा नाम दे देंगे ठीक है सर ओके okay। और जो इसका रेडियस होगा जो इसका रेडियस होगा उसको हम लोग क्या मान लेंगे आर ठीक है इसका रेडियस हमने क्या मान लिया आर सर है ना तो डायग्राम गंदा हो गया लेकिन ठीक इसका रेडियस सर आप आर मान लीजिए इसका सेंटर है आर रेडियस है अब तुमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी होगी अच्छा जो तुम्हारी बीम है या जो भी कह सकते हैं स्प्रिंग है उसकी जो लेंथ है वो एल दी गई है उसकी जो लेंथ है वो हमें एल दी गई है तो यहाँ पे अगर तुम लेंथ तो याद करते हो पूरी लेंथ हमारी स्प्रिंग की यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ से लेके यहाँ तक स्प्रिंग की लेंथ एल दी गई है ठीक है अच्छा सर यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी जाएगी ये यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी देखो यार पूरा टू आर है भाई ये रेडियस ये रेडियस पूरा कितना हो गया सर टू आर पूरा कितना सर हमारा टू आर है टू आर में से अगर हम डेल्टा माइनस करते हैं तो इधर हमारा टू आर माइनस डेल्टा हो जाएगा देखिए ये डिफ्लेक्शन डेल्टा ये टू आर माइनस डेल्टा तो एक प्रॉपर्टी होती है सर्कल की कॉर्ड वाली प्रॉपर्टी का तुमने क्लास टेन में सर्कल पढ़ा रखा हो तो उसमें हमको तो याद है हमने क्लास टेन में ही पढ़ा था तो वहां पर यह सिखाया जाता है कि दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस मतलब सर डेल्टा इंटू टू आर माइनस डेल्टा इज इक्वल टू दिस इंटू दिस मतलब सर्कल के अंदर सर ऐसा है कि जब आपकी कोई भी दो कॉर्ड आपस में इंटरसेक्ट करती है ना सर ये प्रॉपर्टी हमने क्लास टेन में पढ़ी थी सर्कल के अंदर दो कॉर्ड जब इंटरसेक्ट करती हैं

माइनस डेल्टा का स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाय फोर अब क्योंकि रिफ्लेक्शन बहुत कम होगा थोड़ा सा डायग्राम ऐसे बहुत एग्जैक्टेड बनाया है रिफ्लेक्शन बहुत हल्का सा होता है समझ रहे हो बहुत कम रिफ्लेक्शन होता है और ये बहुत बड़ा सा एक सर्कल होता है समझ रहे हो बहुत बड़ा सा एक सर्कल होता है तो तुम कुछ सोचो टूआ माइनस डेल्टा की वैल्यू कितनी डेल्टा कितना छोटा होगा डेल्टा कितना छोटा होगा और तुम अगर कोई सोचो डेल्टा एक बहुत छोटी वैल्यू जीरो पॉइंट जीरो वन मान लेते हैं और उसका तुम अगर स्क्वायर करो तो और जीरो पॉइंट दो तीन तीन जीरो आ जाएंगे डेल्टा का स्क्वायर एक बहुत छोटा टर्म हो जाएगा मतलब कहने का मतलब यहाँ पे सिंपली यह डेल्टा का जो स्क्वायर है वो एक बहुत ही छोटा टर्म हो जाएगा इसलिए उसको हम लोग यहाँ पे इग्नोर कर देंगे यहाँ पे हम लोग डेल्टा के स्क्वायर को इग्नोर कर देंगे तो हमारा जो बचेगा वो सिर्फ डेल्टा बचेगा इसको आप लीजिए इसको आप ऑलमोस्ट नेगलेक्ट कर दीजिए तो डेल्टा की जो वैल्यू अच्छी एल स्क् टू आर नीचे इसको हटा दो ये ऑलमोस्ट जीरो कर देंगे तो डेल्टा के लिए क्या एल स्क्ट आर एल स्क् एट आर ये समझो ये हमारा डिफ्लेक्शन का फॉर्मुला बन गया ठीक है एल स्क्वायर अपॉन एट आर अब हमको अभी यहाँ पे देखिए एल स्क्वायर अपॉन एट आर तो ठीक है हमको अभी वन बैक करोगे सर तुमको ये तो पता ही है बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है अपनी सर बेंडिंग इक्वेशन को पता है एम अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर होता है ये हमने पढ़ रखा है और सुनिए आप आप अगर यहाँ बेंडिंग मोमेंट निकालने की कोशिश करें सेंटर पर बेंडिंग मोमेंट क्या हो, होगा ध्यान सुनना जरा हमारी बात ठीक है हाँ ध्यान सुनेंगे सेंटर पर अगर हम बेंडिंग मोमेंट निकालें बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर तो तुमको तो पता ही है कि अगर हमारी जो सिंपली सपोर्टेड टाइप की बीम होती है उसमें जो बेंडिंग मोमेंट सेंटर पर होता है वो क्या होता है हमारा डब्ल्यू बाई फोर क्या होता है डब्ल्यू बाई फोर होता है सर आपकी मान लीजिए स्प्रिंग यहाँ पे एल लेंथ की है इधर आपका डब्ल्यू लोड लग रहा है यहाँ पे डब्ल्यू बाई टू है इधर डब्ल्यू बाई टू है तो आप क्या करेंगे w by, w by 2 2 2 करेंगे तो यहाँ पे डब्ल्यू एल बाई फोर कि नहीं हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे इतना निकलेगा ठीक है बिल्कुल सही बात है सर कोई दिक्कत की बात नहीं है सर कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है अब तुम अगर इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को देखो और यहाँ पे तुम थोड़ा सिग्मा की वैल्यू निकालने की कोशिश करो ठीक है सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे निकालने की कोशिश करो तो बेंडिंग मोमेंट को शिफ्ट करो है ना इस तरीके से यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा और यहाँ से सिग्मा की वैल्यू निकालने की पूरी कोशिश करेंगे तो हमारा जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हम रख देंगे कितनी सर यहाँ से हम बेंडिंग ओमेंट वैल्यू रखेंगे सर डब्ल्यू एल बाई फोर जो आप बता रहे हैं अपॉन अच्छा आई की जो वैल्यू हम रखेंगे वो हमारा क्या हाँ देखो अ, अच्छा यहाँ जो प्लेट है देखो छोटी छोटी जो प्लेट है प्लेट की थिकनेस कितनी है टी और विड्थ उनकी कितनी है बी अगर तुम उनका आई निकालो तो बी टी क्यूबाइड टल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई सर आप देखिए आपकी रेक्टेंगुलर बीम होती है लेकिन आपकी सर यहाँ पे बी टी फिर एक और बी टी एक और बी टी इस तरह से थिकनेस टी 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 थिकनेस की यहाँ पे कई सारी प्लेट्स हैं तो हर एक का अगर हम मूमेंट ऑफ एनर्जी निकालें तो जाएगा बी क्यू बाई ट्वेल बी टी क्यूब बावल बी क्यू बाई ट्वेल बी क्यू बाई ट एन टाइम्स जुड़ेगा बी टी क्यू बाई ट्वेल यहाँ पे एन टाइम्स जुड़ेगा क्योंकि एन प्लेट्स दी गई हैं क्योंकि यहाँ पे एन प्लेट्स लगी हुई है तो हमारा टोटल जो मोवमेंट ऑफ एनर्जी है यहाँ पर हो जाएगा सर हमारा जो टोटल मूवमेंट ऑफ एनर्जी है यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा एन बी, 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 बी टी क्यू बाई ट्वेल्व यहाँ रख देंगे यहाँ आई की जगह रखेंगे एन बी टी क्यू बाई ट्वेल्व समझ लो इज इक्वल टू सिग्मा को सिग्मा चलने दीजिए और वाई की जो वैल्यू हम लोग यहाँ रखेंगे वाई की वैल्यू हम लोग बताओ है यहाँ पर क्या रख देंगे टी बाई टू सिंपली रखेंगे टी वाई टू क्योंकि एक जो आपकी पट्टी है उसमें जो उसकी थिकनेस है वो टी बाई टू है वाई को तुमको पता ही है ना कोई बीम अगर होती है हमारे यहाँ हमारे सेंटर से तो टॉप तक का डिस्टेंस या पूरी मान लो टी है तो यहाँ तक का कितना हो जाएगा टी वाई टू हो जाएगा टॉप फाइबर तक का डिस्टेंस या जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस वाला रहता है वहां तक का डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं तो यहां से हमको यहां से सर हमको सिग्मा की वैल्यू मिल जाएगी यहां से हमको सिग्मा की वैल्यू मिल जाएगी बढ़िया तरीके से ठीक है सिग्मा की वैल्यू मिल जाएगी और हमको फिलहाल नहीं एक काम ही कर सकते हैं हम लोग हमको हम्म और इज इक्वल टू यहाँ पे चल रहा है सर ई बाय आर देखो एक्चुअल में पता है क्या बात है बात यहाँ पर यह है कि हमको एल स्क्वायर बाई एट आर करना है है ना सर देखिए डिफ्लेक्शन ये हमारा आंसर है अब एल स्क्वायर बाई एट तो चलो ठीक है सर हमको यहाँ पे ब्रैकेट में वन बाय आर की वैल्यू रखनी पड़ेगी वन बाय आर की वैल्यू रखनी पड़ेगी अगर तुम थोड़ा तो इधर से देखो और यहाँ वन बाय आर की वैल्यू निकालने की कोशिश करो ठीक है हम यहाँ पे हमारे साथ देखिए बेंडिंग बेसिक बेंडिंग फॉर्म है हम यहाँ पे थोड़ा सा जरा देखिए दिमाग लगाएंगे इनको अगर इक्वेट करें हम तो आर की वैल्यू जो हम देख वन बाय आर की वैल्यू देख पा रहे हैं सर यहाँ से अगर हम वन बाई आर की वैल्यू देखें तो वन बाय आर की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा अपॉन टू को ऊपर कर दो टू को ऊपर कर दो

अपॉन ट्वेल्व एन बी टी को अपॉन ट्वेल्व ऊपर गया टी बाई टू से इंटू करेंगे टी बाई टू से इंटू करने लाइन खींच दो टी बाई टू से इंटू करेंगे, करेंगे. तुम्हारा सिगमा के वैल्यू मिल जाएगी सॉल्व करेंगे थोड़ा सा इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे आपका बचा यहाँ पे टू फोर जो सिक्स टू बच्चा है ना नहीं टू फोर जट हो जाएगा तो और ये थ्री हो जाएगा तो नंबर हमारा थ्री बाई टू बचा डब्ल्यू एल एक टी भी उड़ जाएगा NBT स्क्वायर बचाएगा अपना NBT स्क्वायर ये बचा हमारा सिग्मा देख लो कुछ गड़बड़ ना कर दी गई हो डब्ल्यू बचा NBT स्क्वायर बचा ए टू बचा ठीक है अब इस सिग्मा को उठा के यहाँ पुट करो इस सिग्मा को उठा के यहाँ पे पुट करेंगे सर तो हम जब जैसे ही पुट करेंगे सर तो हमारा यहाँ पे वन बाय आर इक्वल टू सिग्मा सर कितना है सिग्मा सर कितना है थ्री बाय डब्ल्यू एल अपॉन एन बी टी स्क्वायर ब्रैकेट बंद अपॉन ई इंटू टी थोड़ा सॉल्व करा तो वन बाई आर की वैल्यू एक्जैक्टली यहाँ से निकल के आ गई कितनी टू तू से टू उड़ गया टू तू से टू उड़ गया थ्री डब्ल्यू एल अपॉन एन बी टी एक टी क्यूब तो हो जाएगा एन बी टी क्यूब एन बी टी क्यूब और इधर चल रहा है अपना ई e. अब इस वन बाय आर की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे इस वन बाई आर की वैल्यू उठा के आप पुट कर देंगे सॉल्व करेंगे हम एल स्क्वायर बाई एट वन बाई आर की पूरी वैल्यू उठा के रख दी ठीक है ई एन बी टी क्यूब ये हमारा आंसर बन गया क्या आंसर हो गया सर थ्री बाई एट नंबर कर दीजिए पहले थ्री बाई एट आप पहले कर दीजिए डब्ल्यू एल ठीक है ना डब्ल्यू एल एल हमारा यहां पे तीन बार हो जाएगा एक एल और एक स्क्वायर है तो यहां पे एल क्यूब हो जाएगा डब्ल्यू एल क्यूब हो जाएगा फिर ई e हमारा यहाँ पे है सर ई e है एन बी टी क्यू ये फाइनल डिफ्लेक्शन हमको देखने को मिल रहा है ठीक है वो भी अप्रोक्सीमेटेड है जिसके अंदर हम स्मॉलर uh, टर्म्स को इग्नोर कर रहे हैं ठीक है तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन जो मैच कर रहा है जो ऑप्शन यहाँ से मैच कर करिए हमारा वो क्या है थ्री बाई एट डब्ल्यू एल क्यू अपॉन ई एन बी टी क्यू मतलब ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा ठीक है ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा चलो काफ़ी बढ़िया था बाकी uh, कुछ क्वेश्चन हम लोग के यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन और यहाँ तक करके फिर हम लोग एंड करेंगे ठीक है काफी हो जाएगा अपने लिए आज के लिए चलिए सर देखते हैं तो समझ गए हम लोग बोथ ऑफ कॉलम कॉलम आर द क्रिपलिंग लोड इज पी अच्छा के जब आपके दोनों एंड फिक्स हैं और यहाँ पे जो आपका क्रिपलिंग लोड है इसको ये लोग पी बोल रहे हैं। और यही अगर कॉलम को हम लोग एक एंड को फ्री कर देते हैं एक एंड को फ्री कर देते हैं तो हमारा क्रिपलिंग लोड क्या होगा वो हमको बताना है पी डैश वैल्यू ऑफ क्लिपिंग रोड क्या हो जाएगी चेंज टू यार बहुत आसान है तुमको ये तो पता ही है कि जो इफेक्टिव लेंथ यहाँ फ्री क्या नाम है फिक्स uh, वाले में होती है एल इफेक्टिव वो हमारी एल बाई टू होती है और यहाँ पे जो इफेक्टिव होती है वो हमारी टूवल्व होती है अगर ये तुम्हारी लेंथ एल है अनसपोर्टेड लेंथ एल है यहाँ पे यहाँ पे भी एल है तो एल इफेक्टिव फॉर्मला तुमने पढ़ रखा होगा उम्मीद करें तुमने एल एलेफेक्टिव फॉर्मुला जो है पढ़ रखा होगा तो ये फॉर्मूला हो जाएगा तुम इसमें कितने

यूलर ने दिया है ठीक है लॉन्ग कॉलम के लिए अब तुम यहाँ पे देखो यार हमारा अगर हम पहले केस की बात करें पहले केस की याद करें मान लो उसको पहला केस वन बोल दें तो लेंथ ठीक है बाकी सब अगर कॉन्सेंट मान लेते हैं हम लोग तो लेंथ का स्क्वायर करना है मतलब एल वाई टू का सर यहाँ पे स्क्वायर करना है इनवर्ट्स में और अगर हम दूसरा लोड पी टू ले लें हैं पी टू केस की बात करें तो यहाँ पर हमारा लेंथ ऊपर चला जाएगा और टूवेल्व का होल स्क्वायर करना है तो पी वन अपॉन पी टू का रेशियो जो आ रहा है सर वो आप देखेंगे फोर सिक्सटीन आ रहा है मतलब पी टू जो हो जाएगा सर आपका देखिए पी टू जो हो जाएगा जो पी टू हो जाएगा वो पी वन अपॉइंट सिक्सटीन हो जाएगा तुम देख ही सकते हो यहाँ पे चार टाइम्स का फर्क है एल बाई टू और टूल फोर टाइम्स का रेशियो और फोर का स्क्वायर करना है फोर का स्क्वायर करना है ठीक है अब क्योंकि हमारी जो फिक्स एंड है उसमें लेंथ कम है तो क्रिपलिंग लोड ज्यादा होगी और जब लेंथ आपकी चार गुना पड़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपका क्रिपलिंग लोड सोलह टाइम्स कम हो जाएगा सोलह टाइम्स कम हो जाएगा तो यहाँ पे ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा ठीक है क्योंकि पी और

यूलर से लॉन्ग कॉलम बताओ तो यार यूलर ने एक फॉर्मुला अपना जो दिया हुआ है तुमको अगर पता हो तो यूलर ने एक फार्मूला अपना दिया हुआ है कि तुमको पता होगा उन्होंने सिग्मा का जो फॉर्मला दिया यूलर ने सिग्मा का फॉर्मला क्या दिया है पाई स्क्वायर ठीक है पाई स्क्वायर ई अपॉन पाई स्क्वायर ई अपॉन लेमडा स्क्वायर ये फॉर्मूला दिया है है ना अब तुमको पता होना चाहिए कि पाई स्क्वायर ई अपॉन लेमडा का यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे इन्होंने दे रखा है ठीक है अब ये सिग्मा ठीक है सर सिग्मा हो गया अब अगर हम यहाँ से सिग्मा की वैल्यू अब इन्होंने बोला है कि यूलर फॉर्मला यही है ठीक है सर ये हमारा यूलर का क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेस होता है यूलर का क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेस है कि अगर आपका स्ट्रेस इससे ज्यादा हुआ तो सर आपका कॉलम तुरंत बकल कर जाएगा लॉन्ग कॉलम आपका ऐसे बकल कर जाएगा अब ये बोल रहे हैं माइल्ड स्टील के लिए कब वैलिड रहेगा तो तुम तो यार इसमें लेमडा को गधर कर दो लेमडा की वैल्यू निकालो तो लेमडा की वैलू जाएगी सर पाई स्क्वायर ई अपॉन सिग्मा वाई अंडर रूट ये तो लेमडा जब भी आपकी बड़ी होगी इस वैल्यू से तो कॉलम आपका चला जाएगा कॉलम आपका चला जाएगा दिक्कत आ जाएगी अब आपने बोला यहां पे माइल्ड स्टील सर तो आप अगर माइल्ड स्टील बोल रहे हैं तो हमको पता है माइल्ड स्टील में जो सिग्मा वाई की वैल्यू होती है माइल्ड स्टील में सिग्मा वाई की जो वैल्यू होती है वो हमारी कितनी आती है सॉरी ढाई सौ के आसपास आती है लगभग ढाई सौ के आसपास जाएगी माइल्ड स्टील की वैल्यू लगभग ढाई सौ के आसपास जाएगी अब अगर तुम यार यहाँ पे ढाई सौ रख के सॉल्व करो ठीक है ढाई सौ रख के हम लोग सॉल्व अगर कर दें तो पाई स्क्वायर ई अच्छा ई तो तुमको पता ही है टू इंटू तो का फाइव न्यूटन पर एम एम स्क्वायर होता है और सिग्मा वाई जो हमारा रहता है वो होता है ढाई सौ न्यूटन पर एम एम स्क्वायर तो ये भी न्यूटन पर एम एम स्क्वायर वैल्यू कैंसिल हो गई और सोल्व और करा तो लमडा की वैल्यू यहाँ पर आती है जो हमको याद आ रही है ना काफ़ी पहले हमने सॉल्व किया था तो ये हमारा लगभग लगभग लेमडा जो आएगा हम यहाँ लिखते हैं अंडर रूट ठीक है ऊपर हमारा पाई का स्क्वायर है इंटू टू इंटू टेन क्योर फाइव आप ऑन यहाँ पे ढाई सौ जो हो जाएगा हाँ ये तो भैया एटी एट पॉइंट एट फाइव आ रही है लगभग 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 नाइन्टी आ रही है ना लगभग लगभग हमारी नाइन्टी आ रही है तो लेम्डा जब इससे ज़्यादा होगा तब हमारा वो लॉन्ग कॉलम की तरह ट्रीट किया जाएगा तब वो हमारा लॉन्ग कॉलम की तरह ट्रीट करेगा मतलब यूलर्स का जो थ्योरम है जो फॉर्मूला है वो तभी वैलिड होगा जब लेमडा के लिए इससे ज़्यादा हो इससे कम होगा तो बेकार है तो इससे कम होगा मतलब अराउंड एट्टी से कम जब होगा लेस देन एट्टी तो दिक्कत होगी और तब तो आपका फॉर्मुला वैलिड नहीं होगा क्योंकि यूलर का जो फॉर्मूला है वो लॉन्ग कॉलम के लिए वैलिड है वो लॉन्ग कॉलम के लिए वैलिड है जब आपका लेमडा इस वैल्यू से ज्यादा रहे इस वैल्यू से ज्यादा रहे ठीक है इस वैल्यू से ज्यादा रहे तो इस वैल्यू हमने माइल्ड स्टील के स्पेशली हमने यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट की तो समथिंग अराउंड एट्टी एट फाइव आ रही है तो अगर हम यहाँ से मैच करें तो हमारा एट्टी के आसपास कर सकते हैं राउंड ऑफ करो तो नाइनटी हो जाएगा एट्टी नाइन में जो भी आंसर पे रहता है उसको हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं ठीक है तो नाइन्टी से कम में हमारे यहाँ पे दिक्कत देखने को मिलेगी अब करेंगे हम लोग आज का लास्ट सवाल समझ गए इसको याद कर लो इंपॉर्टेंट ये भी फिर वो तुमको पता ही लॉन्ग कॉलम के लिए है है ना लॉन्ग कॉलम हैज मैक्सिमम क्रिपलिंग लोड व्हेन इट्स बोथ एंड आर हिंज सर देखिए क्रिपलिंग लोड आपका मैक्सिमम तब होगा जब एल इफेक्टिव सबसे कम हो

पॉइंट फाइव एल हो जाएगा मतलब ये तुम्हारा पॉइंट सेवन जीरो सेवन एल फिर एल और फिर टू एल तो वन टू थ्री फोर ये ये फिर ये और ये सबसे कम क्रिपलिंग लोड इसका होगा क्योंकि तो इसकी लेंथ सबसे ज्यादा है जिसकी लेंथ ज्यादा क्रिपलिंग लोड कम और क्योंकि फिक्स फिक्स वाले की जो इफेक्टिव लेंथ है वो सबसे कम है सबसे कम है इसलिए उसका जो क्रिपलिंग लोड सबसे ज्यादा होगा तो हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा पूछा फिलहाल मैक्सिमम की बात पूछिए तो ये हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा हम अगर अरेंज भी करना चाहें तो अरेंज भी कर सकते हैं फिक्स फिक्सड सबसे स्ट्रॉन्ग है सर सबसे स्ट्रॉन्ग है सबसे ज्यादा इसका क्रिपलिंग लोड होगा आपने बताया वी की फिक्स और फ्री में 16 गुना का रेशियो है देख सकते हैं आप उसके बाद आपका सर जो है हो जाएगा एक फिक्स एक एक फिक्स एक हिंच एक फिक्स एक हिंच फिर आपका सर हो जाएगा दोनों हिंच दोनों हिंच और लास्ट में एक फिक्स और एक फ्री फ्री में तो सर मामला बिगड़ जाता है ना तो ये आपका ऑर्डर हो गया ट्रिपलिंग रोड के रेशियोज में है ना इनकी लेंथ अगर हम बात करें तो एल बाई इसकी लेंथ बात करें तो एल बाई इसकी लेंथ एल और इसकी लेंथ टू इसको हम लोग अगर ऐसे लिखा तो पॉइंट फाइव एल ये तुम्हारा पॉइंट सेवन जीरो सेवन एल ये एल और ये टू एल तो जैसे जैसे लेंथ हमारी बढ़ेगी लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा क्रिपलिंग लोड घटेगा क्रिपलिंग लोड सबसे कम इसका सबसे ज़्यादा इसका तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे ठीक है चलो तो आई होप काफ़ी कुछ आज तुमको जानने को मिला होगा काफ़ी सीखने को मिला यहाँ पे और हम लोग अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे रोज इसी टाइम पे क्लास चलती रहेंगी ठीक है इन सेशंस को तुम बढ़िया से देखते रहो क्वेश्चंस के प्रैक्टिस अपने करते रहो ताकि तुम्हारे स्टेट ए जी के जितने एग्जाम है उसमें तुम्हारी बढ़िया से हेल्प तुम्हारी होती रहे ठीक है चलो तो एंड करते हैं हम लोग सेशन को बहुत ही कमाल का सेशन था ऐसे हम लोग सेशन और लेते रहेंगे और ये तो तुम्हें ऐसी प्री स्टेट एग्जाम सब में हेल्प करेगा ठीक है बाकी जो हाइड्रोलॉजी वगैरह चल रही है वो तुम्हारी एज इट इज चलती रहेगी शाम को पांच बजे उसको भी देखते रहो और बाकी जो स्पेशल क्लासेस क्वेश्चन चल रहे हैं वो भी तुम्हारे एज यूजुअल चलते रहेंगे टेक केयर स्टे लेस्ट हम लोग मिलते हैं अगली क्लास के अंदर और जिसमें हम लोग और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे crack conquer a challenging gate contest engineered to give you an experience like none other where you put your knowledge to test and battle it out with the best to bring out the best in you unacademy combat is the most competitive gamified contest for gate till date with the best of the questions by best educators with detailed video solutions from top educators right after each contest Combat live with peers to get real time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. Long years ago we made it first with destiny and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom, ko <laughs> chhodne. <laughs> 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 है ये बात परीक्षा करनी है पास रोक के रखना अपनी सास अपनी एक आस ये की आस हाँ हाँ पीछे सारे मंत्र और रटले सारे फॉर्मूले। जब तक पार लगे नही है तब तक रेस ना तू ले तो इस बार तू आड़ दे छह फुट अंदर गाड़ दे आसमा को फाड़ दे कजोर ऐसी दहाड़ दे अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है

मौका तेरे पास में है करते जा लड़ते जा हिम्मत नहीं हार सबको करके दिखा क्या तेरा भाई तेरा दोस्त इसे बोल रहा कर दिखा लड़के दिखा क्या?